बागली के प्रसिद्ध जटाशंकर तीर्थ पर चल रहे 7 दिवसीय शिव शक्ति महायज्ञ की पूर्ण आहुति शोभा यात्रा के साथ सोमवार को संपन्न हुई। शोभा यात्रा अखाड़े और निशान के साथ निकाली गई, जिसमें विभिन्न संप्रदाय के संत महात्मा सम्मिलित हुए। अखाड़े में कलाकारों और पहलवानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। इसी के साथ शिवरात्रि मेले का भी समापन हुआ। जटाशंकर में फलाहारी बाबा द्वारा 56 वर्षों पहले शुरू की गई परंपरा आज भी महंत बद्रीदास महाराज के सानिध्य में जारी है। वहीं सौंदर्य सामग्री और खान पान की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ दिखी। मेला कमेटी द्वारा कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया गया और लोगों को निःशुल्क मास्क भी वितरित किए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। माला के मध्य में जो जटाशंकर तीर्थ स्थान है, ये बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान। परम पूज्य फलाहारी बाबा केशवदास जी महाराज ने इस वीरान स्थान को, जहाँ पर लोग बाग दिन में आने में भी डरते थे, इसको चैतन्य किया, अपनी तपस्या से जीवंत किया और यहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर्व पर यज्ञ प्रारंभ किया। ये 56वां वर्ष यहाँ पर संपन्न हुआ है। 56 वर्षों से यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर सप्तदिवसीय यज्ञ का आयोजन है। इस यज्ञ का उद्देश्य जन कल्याण, विश्व कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम की महान भावना। यज्ञों का शास्त्रों में बड़ा महत्व। गीता जन्य नामक मेघ होती है, जिसको मानसून कहते हैं, जो है विशुद्ध रूप से वैदिक पद्धति पर किया जाता है और वैदिक मार्ग के हिसाब से विभिन्न तो अखंड भंडारा चलता है। भंडारे में किसी का कोई वो जाति, धर्म, स्त्री पुरुष, इसका कोई भेदभाव नहीं होता। समस्त जो भी हम क्या कहते हैं, तो भंडारा तो जटाशंकर पर बारहमासी चलता है, क्योंकि अन्नकूट बहुत बड़ा होता है, हर अमावस्या पे होता है, दोनों नवरात्रियों में होता है और इसके बाद वो गौशाला जो वनवासी लोग उनके लिए सब प्रकार से पूछता है, ये भी बाबा का महान उद्देश्य है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।